नमस्कार, आई एम अंजनी कुमार गुप्ता, योर फ्लूट प्रमोटर फ्रॉम इंडिया। आज के इस सेशन में 6 मार्च 2021 के तिथि में हैं और आज सीख रहे हैं हम लोग यहाँ ग्रुप में डिस्कशन में मीड और गमक। पहले मीड की चर्चा होगी, फिर उसके बाद गमक की चर्चा होगी और फिर इसका प्रयोग कहाँ कहाँ करेंगे और कैसे कैसे करेंगे इस पर चर्चा होगी। आइए, बांसुरी तो मैंने भी ले लिया है। ई बेस है, जी बेस है, सी है और ए है। और रोहित, आपके पास छोटी वाली ई है ना? हाँ, अच्छा, आपके लिए भी निकाल लेता हूँ मैं ई। आप बांसुरी थोड़ा बजाइए, जैसवार जी बांसुरी निकालिए, देखे आरोह अवरोह किया जाए। तब तक अभी तो और लोग ज्वाइन करने वाले हैं, तीन हम लोग तीन हैं, अभी और आने वाले हैं। देखे, हाँ, सी साहब से सुनाइए। हाँ, आइए, कैसे हैं रजनीश जी? बहुत दिन बाद मुलाकात हुई। खुश रहिए, मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है रजनीश जी? रजनीश जी, आपके आपका वो म्यूट है। मेरी आवाज आ रही है रजनीश जी? रजनीश जी, मेरी आवाज आ रही है? ठीक है, तब तो ठीक है। आई जसवार जी सुनाइए तो, सरगम सुनाइए तो। हाँ, वाह, हाँ, लीजिए, बात कर लीजिए, बात कर लीजिए, बिल्कुल बात कर लीजिए। हाँ, बात कर लीजिए। हमारे पास अभी हम लोग अभी टोटल तीन तीन चार हुए हैं। अभी दो दो लोग अभी और लोग अभी ज्वाइन करने वाले हैं। 2 मिनट इंतजार कर लेते हैं। रंजीत जी, बांसुरी निकालिए, कुछ सुनाइए तो पहले, देखे। हाँ, सुनाइए आपका आवाज, वो ऑडियो। वेरी गुड, मैं आवाज तो आपकी आवाज थोड़ा सा कैमरे की तरफ रहिएगा, थोड़ा सा आगे रहिएगा, थोड़ा सा आगे रहिएगा, तो उससे क्या है कि वो ऑडियो आपका पूरा पकड़ेगा। मिलिंद जी अभी तक हाजिर नहीं हुए हैं, कह रहे हैं मिलिंद जी अभी नहीं था, अभी मिलिंद जी अभी नहीं आए हैं। जयसवार जी तो आ गए हैं, मिलिंद जी का भी इंतजार है, मिलिंद जी अभी तक पहुंचे नहीं। आई, चलिए तो हम लोग चालू करते हैं। 7 हो गया, हम लोग मीड और गमक के चालू करेंगे। मीड सबसे पहले हम लोग समझेंगे, तो हम बांसुरी उठा रहे हैं अभी फिलहाल, ई बेस ले रहे हैं, ई बेस ई मिडिल। आपके पास जो जसवा जी, कौन सा स्केल है, कौन कौन स्केल है? जी बेस और सी शार्प। अच्छा, जी ले लेते हैं। देखिएगा, मीड सिंपल सिंपल आरोह अवरोह पहले देखेंगे, उसके बाद मीड के साथ उसको देखेंगे। पहले आरोह अवरोह जो हमारा है, बिलावल थाट में हम लोग प्रैक्टिस करते हैं सभी शुद्ध स्वर के साथ। सा रे गा मा पा धा नी सा, प्लेन में कैसा होता है और मीड के साथ कैसा होता है। हाँ,
ये हो गया प्लेन, सारे गामा पादा निशा स्ट्रेट नोट में, इसको बोलते हैं एकदम सीधा सीधा स्वर में, सच्चा स्वर में। याद रखिएगा दो वर्ड इस्तेमाल किया, सीधा और सच्चा। पुराने जो गायकी होती थी या फिर जो गाना बजाना होता था, पहले स्ट्रेट बजाना खूब सिखाते थे, तब हम उसमें मीर और गमक के साथ अलग बजाते थे। तो पहले स्ट्रेट नोट बजाइए रजनीश जी, प्लेन, खाली सारे गामा पाधा निशा स्ट्रेट बजाना है। ये स्ट्रेट नोट हो गया। आइए आशीष जी आप बजाकर सुनाइए स्ट्रेट नोट में सारे। मिलन जी आपकी आवाज म्यूट है। लौटिए अवरोह कीजिए सा प्लेन में एकदम। बहुत अच्छा। हाँ रवि जी सब ठीक है, खुश रहिए। गगन सब ठीक ठाक हैं, पटना आ गए हैं कि पटना से बाहर हैं? आ गए हैं तो हम आ गए हैं तो हम ऐसा तो ठीक है, हम 9 बजे आपको फ़ोन करते हैं, अभी हम क्लास में हैं, 9 बजे फ्री होकर बात कर रहे हैं। आई मिलिंद जी कैसे हैं आप, मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही है आपको? मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है ना, आपको मिल रही है ना? आइए चलिए ठीक है। तो अभी हम लोग पहले मीड की चर्चा करेंगे, पहले प्लेन नोट्स बजाना सीख रहे हैं। आइए रोहित प्लीज प्ले सारे गामा पादा निशा प्लेन सारे। हाँ हाँ रिकॉर्डिंग चालू है, रिकॉर्डिंग अलग से चालू कर रहा था। हाँ ये हो गया स्ट्रेट। आइए जसवार जी अब आपकी बारी, प्लेन नोट्स एकदम सारे गामा पादा निशा प्लेन। हाँ आप मिलिंद जी आपकी बारी, सारे गामा पाधा निशा आपको करके सुनाना है एकदम प्लेन नोट्स में आराम से। प्लेन नोट्स एकदम स्ट्रेट नोट सारे गामा करके दिखाई, तो सिंपल नोट्स में कैसे, जैसे प्लेन नोट्स में करके दिखाइए। मिलिंद जी बांसुरी उठाई, कौन सा स्केल है आपके पास? बांसुरी कौन सा स्केल है देखे? मेरी आवाज आ रही है मिलिंद जी? आपकी बांसुरी की आवाज नहीं आ पा रही है, थोड़ा सा आगे आइए, थोड़ा सा कैमरे के पास आइए देखिए। हाँ हेडफोन या ईयरफोन लगा लिया है आपने या नहीं? हेडफोन या ईयरफोन लगाया है आपने? हेडफोन या ईयरफोन लगा लीजिए, मुझे लग रहा है उससे आसानी होगी। हाँ नहीं मैं नहीं, म्यूट नहीं है। आपकी आवाज आ रही है मिलिंद जी, आपकी आवाज आ रही है, अब आ रही है, अब बजाइए स्ट्रेट नोट सीधा सारे गामा पाधा निशा सानी धा पा मा गा रे सा। नहीं मिलिंद जी को बोल रहे हैं, मिलिंद जी
बांसुरी की आवाज नहीं आ रही है मिलिंद जी, क्या दिक्कत है? आपकी ऑडियो आ रही है, बांसुरी की आवाज क्यों नहीं आ रही है? ये थोड़ा वो देखिए तो, हेडफोन में वो है क्या, माइक है ना? हेलो बोलिए तो, हेलो बोलिए तो, नहीं आ रही आपकी आवाज, नहीं आ रही है, फिर भाग गई है। विदाउट हेडफोन छोड़ दीजिए, विदाउट हेडफोन हटाइए तो देखिए। हेलो बोलिए तो, नहीं आ रही है, ऑडियो में प्रॉब्लम है आपका। एक बार एग्जिट करके आओ फिर। हाँ देखिए अभी, हेलो अब आइए, इसको मीड के साथ देखेंगे हम लोग, कोशिश करते हैं। मिलिंद जी आपको देखिए तो, दूसरा हेडफोन या ईयरफोन है क्या, ट्राई कर सकते हैं। अब आइए, अब आपका ठीक हो गया, आवाज आ रहा है क्या? अब देखिए तो बजाई तो, अब इसको मीड के साथ देखेंगे तो बजाई तो देखिए। हाँ नहीं आ रहा है आपका आवाज, अभी भी नहीं आ रहा है आपका। दूसरा हेडफोन या मैं वो चाहिए, ईयरफोन चाहिए, हेडफोन या ईयरफोन। आइए तब तक देखते हैं। रोहित देखिए मीड लेंगे तो कैसा लगेगा। एक सुर पीछे से आकर, ऐसा चाहिए। ये देखिएगा, एक सुर पीछे, मान ले कोई भी राग है, अभी हम बिलावल में हैं तो बिलावल में सातों सुर लग रहा है, इसलिए एक सुर पीछे आकर मीड़ लेते हैं। यानी एक सा पर इस तरह से आना कि पीछे के सुर से लगे कि पीछे के सुर से निकल कर आ रहे हैं, जुड़ कर नहीं आ रहे हैं। एक सुर पीछे से आइए, देखिए खाली सा और रे कहना है। रोहित और जसवार जी, रजनीश जी, सब कोई खाली सा और रे खाली कहना है। हाँ आशीष जी, खाली सा और रे कहना है। हाँ फिर से रजनीश जी, सा नी के सहारे, ऐसा लग रहा है जैसे कोई चीज तार को है ना, वीणा के तार को खींच के छोड़ दिया, वीणा के तार को खींच के छोड़ दिया, टंग ऐसा आना चाहिए। थोड़ा सा गर्दन भी नीचे, क्योंकि नी हल्का सा नीचे है, मीड़ से आना है तो थोड़ा सा झुक के आना होगा। करी खाली सारे चार सबको कहते हैं, जसवार जी नी के सहारे, सादम धीरे से, आपको कम से कम 1 सेकंड टाइम लगना ही चाहिए नी से सा में। देखिएगा छोटी बांसुरी ले रहे हैं रोहित, फिर ई बेस ले रहे हैं, जयसवार जी करके दिखाइए, खाली सा और रे और कुछ नहीं करना है। सा आई तो मिलिंद जी, दिखाइए तो, आवाज आ रही है आपके, देखिए तो। हाँ आ गया आवाज, अब बराबर, खाली सा और रे देख कर रहे हैं बस मीड से। हाँ थोड़ा सा और टाइम लेना है मिलिंद जी, मिलिंद जी थोड़ा सा और टाइम लेना है। देखिएगा जी बेस बांसुरी पर हूं मैं, ऐसा, और थोड़ा सा देखिएगा एक गर्दन को हल्का सा नीचे से ऊपर लाना है, देखिए सा के लिए ऐसा लगा नीचे से सुर आ रहा है। आइए रजनीश जी कहाँ हैं आप, करके दिखाइए अभी आशीष जी, बस खाली सा और रे। रजनीश जी आइए कहाँ हैं,
राजेश जी करके दिखाइए, सा और रे खाली, सा रे। हाँ यह बात। अब हम चार चार बार लेंगे, सा चार बार और चार बार रे लेंगे, देखिएगा तो कैसा दिखेगा मीड़। और मीड़ का मतलब क्या है कि मीड़ का मतलब जो मीड़ एक क्रिया है, समझिएगा, शास्त्रीय हिंदुस्तानी संगीत में मीड़ एक ऐसी क्रिया है जिसको हमेशा धीमी गति से किया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि धीमी गति में ऐसे जाइए एक सुर से दूसरे सुर पर कि स्वर ऐसा लगे कि उसके जैसे नी के घर से निकला है सा, एकदम नी के जैसे, ये नी है और नी के अंदर से सा निकल कर आ रहा है, ये ऐसा प्रतीत होना चाहिए। देखिए ऐसा नहीं, नी की हर श्रुति से गुजर कर निकलता हुआ ये हमें परिस्थिति होनी चाहिए। याद रखिएगा ये एक गुण में है। एक गुण क्या है, हर आदमी के लिए 2 सेकंड है, किसी आदमी के लिए, किसी के लिए 1.5 सेकंड है, किसी के लिए मैक्सिमम 1.25 सेकंड है। जो हिंदुस्तानी संगीत में जो टाइमिंग है वो है 2 सेकंड का, यानी 30 BPM। इसका मतलब है 2 सेकंड में एक सुर से दूसरे सेकंड में आपको गुजरना है, 2 सेकंड लगाना है, लेकिन 2 सेकंड बहुत बड़ा टाइमिंग है, उसको आपको अपने अंदर उतारना पड़ेगा। ऐसे कोशिश करना है 2 सेकंड में नी से सा पर आइए। चलिए सब कोई लेकर, खाली नी से 2 सेकंड में आना है, नी टू सा, सा करके दिखाइए। हाँ दो सेकंड टाइम लेना है रोहित, 2 सेकंड नी टू सा में 2 सेकंड टाइम लगाना है, लगाने की कोशिश कीजिए। जैसा बार जी लेके देखिए, रजनीश जी आप भी कम से कम चार चार बार लगाए के, चार चार बार कीजिए, नी टू सा चार बार, नी टू सा चार बार। हाँ अभी मिलिंद जी, चार बार हो गया आपका नी टू सा, 2 सेकंड का टाइमिंग बनाना है मिलिंद जी, 2 सेकंड लगना चाहिए नी टू सा में। हाँ अब अकेला अकेला सुनेंगे सबका, अब अकेला अकेला सबका सुन रहे हैं। पहले शुरू करते हैं मिलिंद जी से, मिलिंद जी चार बार खाली सा बजाना है, नी टू सा चार बार। चलिए जसवार जी अब आपकी बारी, मिलिंद जी ने जो टाइम लिया है वो 1 सेकंड का है, जसवार जी कोशिश करनी है 2 सेकंड का टाइमिंग लगाने का। ये हुआ, बहुत अच्छा, चार बार। हाँ आपका 2.5 सेकंड गया है, बहुत शानदार लगाया है आपने रजनीश जी, आपका लगा दिखाइए, लगाइए 2 सेकंड, कोशिश कम नहीं, कोशिश कर 2 सेकंड होना चाहिए, अच्छा लगेगा, आवाज आपकी बढ़ जाएगी। बहुत अच्छा लगाया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, 2 सेकंड एकदम परफेक्ट है आपका रंजीत जी। आशीष जी अब आपकी बारी, खाली सा लगाना है। हाँ
यह बात। आइए रोहित, रोहित जी आपका अच्छा, आशीष जी आपका अच्छा हुआ, 2 सेकंड लगाया आपने, टाइमिंग बहुत अच्छा है आपका। रोहित आप दिखाइए बेटा, सा नीटू सा, वाह बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, रुक जाइए, अब हम बता देते हैं, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में जब आपको विलंबित बजाना होता है तो 30 BPM से लेकर 20 BPM, यानी 20 BPM का मतलब हो गया 2.5 सेकंड का एक नोट बनता है विलंबित में, विलंबित बजाने के लिए, या 2 सेकंड का। तो हमें दो से अढ़ाई का हमें हिसाब रखना है, तब ये ऐसा सुनाई देगा। देखिएगा, खास करके जब हम विलंबित गाते बजाते हैं ना, उसमें हमें बिल्कुल तैयारी रखनी पड़ेगी मीड की। अगर कोई राग, मान ले राग बिलावल या राग भूपाली में हमने विलंबित उठाया, तो ऐसा दिखेगा, दिखना चाहिए, क्योंकि मध्य लय जनरली लोग गाते बजाते हैं, लेकिन विलंबित मीड चाहिए, तभी तो आप स्लो गति में बजा पाएंगे और सुर टूटेगा नहीं। कैसे? ऐसा मैंने बजाया, ग रे सा, और जब स्लो गति में बजाना आप सीखेंगे, यानी मीड में, तो जितना सैड हो ट्यून होता है, सैड धुन होता है, वो स्लो में ही चलता है। सैड, सैडनेस चाहिए, पीड़ा चाहिए, करुणा चाहिए, है ना, उस तरह के धुन को निर्माण करने में मीड आपकी सहायता करता है। कैसे? हम बिलावल में ही हैं, इतना चाहिए। मैंने कुछ नहीं बजाया, मैंने बजाया सारे, बस इतना बजाया, लेकिन सुनने में ये धुन जैसा लगता है, जैसे कोई पीछे से सैड सॉन्ग बजा रहा है, यानी कोई कोई अगर दृश्य चल रहा हो किसी वीडियो में, तो बैकग्राउंड में म्यूजिक लगा दिया, तो सुनने में बहुत ही लगता है कि पीड़ादायक लग रहा है, बहुत ही करुणाकारी लग रहा है, ऐसा चाहिए। अब आपको कुछ नहीं बजाना है, एकदम कुछ भी बजाना है, सबको 30-30 सेकंड टाइम दे रहे हैं, मीड में 3 नोट 4 नोट बजाना है, एकदम आराम से, कुछ भी, एक सांस में बजाइए, 2 सांस में बजाइए, 3 सांस में बजाइए, लेकिन इट शुड बी 2-2 सेकंड हर एक नोट पर ट्रैवल करना है, याद रखिएगा, कितना सेकंड, 2-2 सेकंड कोशिश करना है। आई मिलिंद जी से स्टार्ट कर रहे हैं, बस रुक जाइएगा मिलिंद जी, इसमें करना क्या है कि सांस को नापिए कि हम कितनी दूर तक जा सकते हैं, पहला तो है ना, बीच में टारगेट अगर ले रहे हैं तो हम खाली ये भी बजा सकते थे, देखिएगा, मतलब इतना पीड़ादायक, एकदम लगे कि कलेजा काट के रख दिया, मेरी बात समझे, लेकिन एक ही सांस में खत्म करना था। 2 सांस अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर रुकिए, दूसरे सांस, पहला सांस को खत्म हो गया, अगर दूसरा सांस लगाना है तो एक बार लीजिए, एक सांस में जितना होता है उतना ही करके दिखाइएगा, 1 ब्रेथ ओनली,
ये बात हुई। थोड़ी सी आवाज आपकी टूट गई लेकिन समझ में आ गया। जयसवाल जी, वन ब्रेथ में एक सुर से दो सुर, बस जितना बहुत दो दो सेकंड का लेना है टाइमिंग, दो सेकंड से कम टाइम नहीं करना है। जयसवाल जी लीजिए, अब आपकी बारी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छा। आपकी बारी रजनीश जी, दो दो सेकंड में, बस ज्यादा नहीं, दो से तीन नोट बजाना है एक ब्रेथ में ही, कुछ जितना भी एक ब्रेथ में बजे उतना ही बजाना है। आपकी आवाज म्यूट है रजनीश जी, आपकी आवाज म्यूट है। बस आराम से फिर से बजाइए, खाली सा और रे के बीच में ट्रांजिट, नी सा रे, बस यही तीन सुर में लेके बजाइए। तो फिर से एक बार, बहुत बड़ा हो गया आपका पीस। ये बात, हाँ कैसा लग रहा है रजनीश जी, आपने बजाया तो कैसा लग रहा है पीस? हाँ आपके आशीष भाई, आशीष जी आपकी बारी। वन ब्रेथ में इस्तेमाल करना है, बस दो दो सेकंड हर एक नोट पर ठहरने की कोशिश करनी है। आइए, बस आराम से, ये हुआ बहुत अच्छा। अब रोहित आपकी बारी, दो दो सेकंड ब्रेक एक एक नोट पर, खाली केवल बजाइए, म्यूट है आपका रोहित, रोहित हाँ चलिए स्टार्ट कीजिए। गर्दन भी सही होगा, गर्दन का एंगल बदलता है ना, नीचे से सुर ऊपर जा रहा है तो हल्का सा गर्दन का एंगल ऊपर करना है बेटा, ध्यान रखिएगा। ऐसे आपने बजाए, ऐसा लेना है, कोशिश कर दिए। हाँ ये बात, ये बिल्कुल सैड म्यूजिक हो गया। ये समझ में आया आपको? मीड का मतलब यह है कि कम से कम हमें जो करना है दो सेकंड का अभ्यास रखना है एक सुर से दूसरे सुर का ट्रांजिशन में। बाद में अनसिंग सिंगर आइए, तो चंद्रभान जी कैसे हैं? आइए सेंगर साहब को नमस्कार। आई आप लेट, आपने लेट ज्वाइन किया है, नमस्कार। आपका आवाज म्यूट है, आपकी आवाज म्यूट है। आइए आपकी आवाज ठीक, आपकी आवाज अभी म्यूट है, क्या देखिएगा। हाँ माइक, माइक को अनम्यूट कर दीजिए। आइए आप, ठीक है जी, आप आइए, आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास। आइए, तो मीड हम लोग सीख रहे थे, मीड में एक सुर से दूसरे सुर का जो टाइमिंग है जनरली लोग एक सेकंड, सवा सेकंड, डेढ़ सेकंड रखते हैं, हम यहाँ दो सेकंड में एक सुर से दूसरे सुर में जा रहे हैं। बिल्कुल, जैसे ये नी टू सा जाएंगे, देखिए
करके दिखाइए, नी से सा, दो दो सेकंड में करके दिखाना है। हाँ ऐसा, दो सेकंड में हमने हमें लेना है। तो हम इसका उपयोग करते कहाँ है, मीड का जनरली जो दो सेकंड से ढाई सेकंड वाला जो टाइमिंग है, ये करुणा जो करुण स्वर होता है उसको उभारने में काम लाते हैं। पैथेटिक यानी जो होता है ना दयापूर्ण है, पैथेटिक है, दयापूर्ण है, करुणा वाला है और बहुत दर्द भरा, वैसा संगीत करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे ये ई बेस में है, मान ले इसको हम, कोई जरूरी नहीं निशा, जैसे देखिए ग म ग रे, ऐसा भी बना सकते हैं एकदम दुख भरा। तो हमने किया कुछ नहीं, भोपाली यमन जैसा मिक्स करके गारे, ये जो कर्व बन रहा है ना, ये हमें चाहिए, यही चाहिए हमको, गारे नहीं चाहिए। तो कैसे चाहिए, जी बेस में दिखाता हूं, ऐसा गारे गारे ही है, लेकिन वो बहुत ही करुणापूर्ण दिख रहा है। अब ऐसे नहीं, तो मैंने लगाया सा नी, यानी ग से नी। ये मीड का काम है स्लो मोशन में, ये थोड़ा सा थकाता है और बोरियत पैदा करता है, लेकिन मीड हिंदुस्तानी संगीत का जो नॉर्थ इंडियन म्यूजिक का जान है। विलंबित वगैरह में हम लोग इसी का सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं। और टाइमिंग एक सेकंड कोई रखते हैं, कोई सवा सेकंड, कोई डेढ़ सेकंड, कोई दो सेकंड, कोई ढाई सेकंड। तो हमारे पास टाइम पता है कि एक सेकंड भी हो सकता है, तो ऐसा होगा, ऐसा भी हो सकता है, और दो सेकंड में होगा तो ज्यादा दर्द चाहिए तो ज्यादा टाइम देना होगा, कम दर्द चाहिए तो कम टाइम देना। अब आप इसको समझ जाइए समय से, रजनीश जी समझ से आ रहा है, ज्यादा दर्द तो ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, कम दर्द है तो कम टाइम देना पड़ेगा, यानी जो पैथेटिक है करुणा है उसको उभारने के लिए टाइम जोन हमें देखना पड़ेगा। ऐसा, अब इसको अवरोह में देखिए तो जितनी सांस है उतना लेना है, और लेकिन सांस थरथराए नहीं। मीड में थोड़ी सी दिक्कत होती है, सांस थोड़ी सी शेकिंग करती है, कांपती है, तो उसको कोई छोटे छोटे पीस बनाने के। ये हमारा पहला एपिसोड हम बन गया है हमारा, तो यहाँ पर वीडियो एंड करते हैं सेकंड एपिसोड के लिए, फिर हम लोग सेकंड एपिसोड में और चर्चा करते हैं। 34-35 मिनट का हो गया है, तो एक इसको अभी खत्म करते हैं, ठीक है ना, फिर अभी सेकेंड पार्ट में फिर हम लोग मिल रहे हैं।